सोलन जिला में हिम सुरक्षा अभियान आरंभ किया गया। इस अभियान का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोविड महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय सावधानी है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करें और अपने हाथों को स्वच्छ रखें। उन्होंने इस अवसर पर सभी को शपथ भी दिलाई और आग्रह किया कि शपथ का स्वयं भी पालन करें और अन्य को भी इस दिशा में जागरूक बनाएं। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को सुरक्षा किट भी वितरित की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने उपायुक्त सोलन को निर्देश दिए कि हिम सुरक्षा अभियान को उचित तरीके से कार्यान्वित किया जाए ताकि सोलन जिला के जन जन तक अभियान के तहत टीमें पहुंचे। डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि 25 नवंबर से शुरू हुआ ये अभियान 27 दिसंबर 2020 तक कार्यान्वित किए जाने वाले हिम सुरक्षा अभियान का उद्देश्य कोरोना संक्रमण के साथ साथ तपेदिक, कुष्ठ रोग, मधुमेह एवं रक्तचाप जैसी बीमारियों का पता लगाना है। डॉक्टर सैजल ने कहा कि प्रदेश में नवंबर माह में कोविड रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार इस वृद्धि को न्यून करने एवं कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इस महामारी की दवा अथवा टीका न आने तक सावधानी ही बचाव का एकमात्र उपाय है। हिम सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को कोविड से बचने के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। आयुर्वेद मंत्री ने कहा कि लोगों को ये समझना होगा कि सावधानी अपनाकर न केवल अपना अपितु अपने परिवार का बचाव भी किया जा सकता है। हिम सुरक्षा अभियान ये वर्तमान जिस चुनौती से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो है वो विशेष चिंता का विषय है। और इसके लिए जो है किस प्रकार से हम इस बढ़ती हुई संख्या को हम कम कर सकते हैं, उसके लिए फिर हमको जागरूकता अभियान जो है वो पूरे देश में पूरे प्रदेश में जो है हमको चलाना है। इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हिम सुरक्षा अभियान की कल्पना जो है वो की गई है। 8,000 टीम्स जो हैं वो पूरे प्रदेश में बनी हैं और जिसमें 16,000 जो कार्यकर्ता हैं वो इस अभियान में लगेंगे। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों में जागरूकता पैदा करना है। हर एक व्यक्ति को जो है उसकी जिम्मेदारी क्या है इस चुनौतीपूर्ण समय में, इसका एहसास करवाना ये मुख्यतः जो है इस अभियान का लक्ष्य है। तीन प्रकार की सावधानी जो है प्रत्येक व्यक्ति से उसको अपनाने के लिए आग्रह किया जाएगा, विनम्रतापूर्वक आग्रह किया जाएगा और ज़ोरदार आग्रह किया जाएगा। और आपके माध्यम से भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी संक्रमित हुआ है उसने जब तीन प्रकार की सावधानियाँ छोड़ी हैं वो तभी संक्रमित हुआ है, अन्यथा वो संक्रमित नहीं होता। उसमें मास्क का जो है वो ठीक से प्रयोग, यानी नाक के ऊपर तक हमारा मास्क जो है वो होना चाहिए। फिर सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी जब भीड़ भाड़ भरे स्थानों पर हम होते हैं। तीसरा जो है हैंड हाइजीन, अगर हमारा हाथ कहीं लग गया है, किसी को स्पर्श हो गया है, किसी चीज़ को छू गया है, किसी वस्तु को छू गया है, फिर उसके बाद हम तब तक किसी चीज़ का सेवन नहीं करेंगे जब तक जब हम अपने हाथों को सैनिटाइजर के द्वारा या सोप के द्वारा हम विषाणु रहित नहीं कर लेते हैं। इन तीन सावधानियों का पालन जो है प्रत्येक प्रदेशवासी को करना है। और मेरी जिम्मेवारी क्या है, सरकार तो कर रही है, सरकार तो लगी हुई है, सरकार तो लोगों की सेवा में और हर प्रकार से संक्रमितों का भी ध्यान रख रही है और जो संक्रमित लोग ना हों उसके लिए भी उपाय जो है वो सरकार कर रही है। लेकिन जब समाज के भावना भी जो है सरकार के कार्यक्रम में शामिल हो जाती है तो फिर रिजल्ट जो हैं वो चमत्कारिक होते हैं। तो मैं तो यही इस माध्यम से कहना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से कि ये तीन प्रकार की सावधानियों को हमारे जिले का प्रत्येक व्यक्ति इसको अपनाए।